गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे की हत्या मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। शनिवार सुबह सीबीआई की टीम स्कूल पहुंची और मौके वारदात और स्कूल का निरीक्षण किया। गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युमन की हत्या के मामले में शुक्रवार को केस दर्ज करने के बाद शनिवार सुबह सीबीआई की टीम स्कूल पहुंची। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम ने सबसे पहले स्कूल के बाथरूम का जायजा लिया। इसके बाद टीम प्रद्युमन के क्लासरूम के साथ स्कूल की पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया। सीबीआई की टीम के साथ स्कूल के कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे। इससे पहले शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर इस मामले में संज्ञान लेते हुए शाम को इस मामले में केस दर्ज कर लिया। सीबीआई की टीम आई थी और उनको हमने फाइल हैंड ओवर कर दी है, वो कल से इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर करते हैं। शुक्रवार सुबह ही प्रद्युमन के पिता ने कहा था कि अगर सीबीआई मामले को अपने हाथ में नहीं लेती तो सोमवार को वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बता दें कि रान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को 7 साल के प्रद्युमन की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मामले में गुरुग्राम पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर को हत्या का आरोपी बनाया है। कंडक्टर ने शुरुआत में हत्या की बात स्वीकार कर ली थी, हालांकि बाद में उसने कहा कि उस पर पुलिस और स्कूल प्रबंधन ने अपराध स्वीकार करने का दबाव बनाया था। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 15 सितंबर को प्रद्युमन के परिवार से मुलाकात के बाद इस केस की सीबीआई से जांच कराने का ऐलान किया था। साथ ही हरियाणा सरकार ने 3 महीने के लिए रायन इंटरनेशनल स्कूल को टेक ओवर कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।